नमस्कार, मैं परमेश्वरी सिंगलोत, एक्स कॉर्पोरेटर मंगलघाट, बीआरएस पार्टी। आप सभी को एक जरूरी सूचना देना चाहती हूँ। तेलंगाना गवर्नमेंट होनेबल सीएम साहब की तरफ से जो गरीब लोगों के लिए स्कीम निकाली गई थी, 2 BHK जो डबल बेडरूम स्कीम है, उनका वादा था कि तेलंगाना में सभी जरूरतमंद लोगों को जो एलिजिबल है, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, उन लोगों को तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से मकान दिए जाएंगे। और उस बात पर तेलंगाना गवर्नमेंट का हमेशा से प्रयास जारी रहा है। और आज वो दिन आया जहाँ पे GHMC लिमिट्स में कल 2 सितंबर को टोटल 24 विधानसभाएं हैं, जहाँ पे जिसमें एक गोशामहल भी आती है। सो पूरे GHMC लिमिट 24 असेंबली सेगमेंट्स में 11,700 मकान कल अलॉट करने जा रहे हैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब। तो मैं सबसे पहले KCR सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए एक इतनी अच्छी स्कीम निकाली, जहाँ पे 2 BHK एक मकान एक गरीब परिवार को अलॉट होने के बाद में वो किस तरह से अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, ये वही जानते हैं और वही बता सकते हैं। तो इसके लिए मैं पूरी जनता की तरफ से सबसे पहले हमारे सीएम KCR साहब को, हमारे मंत्री KTR साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और जो लोग कई साल से इंतजार कर रहे थे अपने जाति मकान के लिए, आज उनका अपना जाति मकान होने जा रहा है। तो खास करके मैं गोशामहल विधानसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जहाँ पे गोशामहल असेंबली में 500 परिवारों को डबल बेडरूम अलॉट हुआ है। और कल सुबह उन सभी को कोल्लूर अमीनपुर फेज 2 में वहां पर उनको अलॉटमेंट किया जा रहा है। तो सभी 500 बेनिफिशियरीज का लिस्ट हमारे पास में आ चुका है, हमने सभी को फोन करके इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आप सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए कहना चाहूंगी, कल सुबह सभी लोग समय पर वहां पे आ जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। वहां आने के बाद में आपके जो भी डिटेल्स है, आगे का जो भी प्रोग्राम है, हमारे कंसर्न मंत्री, गवर्नमेंट के ऑफिशियल सभी के सामने आपको वहां पे अलॉटमेंट किया जाएगा, अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो उसके लिए मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, सभी लोग अपना ऑनलाइन करें सो डबल बेडरूम का डॉक्यूमेंट, आपका अपना आधार कार्ड, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो अगर जरूरत पड़े तो, और आपका अपना राशन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको फोन करके कहाँ पर आना है वो बता दिया गया है। आपको जहाँ पे बुलाया गया कल सुबह 7 बजे बस के लिए, आप सभी लोग वहाँ पे समय पे पहुंच जाइए और अपने जाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके आपको सभी के साथ में वहाँ पे ले जाया जाएगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, ये आपको जो डबल बेडरूम दिया जा रहा है वो आपको प्योरली तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, ऑनरेबल सीएम KCR साहब की तरफ से दिया जा रहा है। अगर इस पर अगर आपको कोई कुछ डिमांड करता हो या कोई कुछ पैसे पूछता हो, तो आपको स्ट्रिक्टली वॉर्न किया जाता है कि आप किसी को कोई पैसे ना दे और कोई अपना मकान ना बेचे। बहुत शिद्दतों के बाद में आपको अपना मकान मिला है, तो आप इस पर मकान में अपने परिवार के सामने खुशहाल जिंदगी जिए, ऐसी सोच के साथ में सीएम साहब ने आपको ये मकान अलॉट किया है। जो लॉटरी सिस्टम था उसमें सभी बेनिफिशियरीज को आया, उसी तरह गोशामहल विधानसभा के 500 परिवारों को मकान आए हैं। एक बात चाहूंगी, और जिन लोगों को इस बार डबल बेडरूम नहीं आया, जो लोग ऑनलाइन किए थे, इस बार इस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, वो लोग परेशान ना हो, टेंशन ना ले, क्योंकि इसके बाद में फिर नेक्स्ट आपको 10-15 दिन में एक और सेकेंड फेज शुरू होने जा रहा है ड्रॉ का। हम ऊपर वाले से मनोकामना करेंगे कि जो लोगों को इस बार नहीं आया मकान, उनको डेफिनेटली अगले लॉटरी ड्रॉ में आ जाए, उनको अगली बारी में जब सेकेंड फेज, थर्ड फेज आगे और भी है उसमें आपको मकान आ सकते हैं। जिन लोगों को इस बार नहीं आया वो टेंशन ना ले, इसके लिए हम आपको सूचित करते हैं। और आप सभी जानते हैं और सभी देख रहे हैं सीएम KCR की तरफ से किस तरह से गरीब जनता के लिए, तेलंगाना राज्य की जनता के हित के लिए किस तरह के वो स्कीम्स ला रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा इसी गोशामहल विधानसभा में 300 परिवारों को MBC लोन्स के तहत 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए गए हैं, जिस तरह से। और उसके पहले आपने देखा हैंडीकैप पेंशन के लिए जिनको 3,016 रुपए आया करते थे, अब उनको 4,000 बढ़ा दी गई है। तो इसी तरह से तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जनता के हित में एक के बाद एक जो वेलफेयर स्कीम्स लाई जा रही है, उसके लिए हम तेलंगाना गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे खास करके इस मंगलहट गोशामहल की जनता को मैं बोलूंगी कि जिस तरह से तेलंगाना वेलफेयर स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, उसी तरह से हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि हर उस स्कीम को जनता के घर तक पहुंचाए, डोर डोर को पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका इसका लाभ दिलाए। और आने वाले समय में भी हम यही कोशिश करेंगे
सीएम साहब की तरफ से जो भी केसीआर साहब की तरफ से स्कीम आएंगी वो हम हर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, जिन लोगों का नाम अभी के लिस्ट में नहीं आया वो टेंशन ना ले, परेशान ना हो, डेफिनेटली नेक्स्ट लिस्ट में उनका नाम आएगा और हम कोशिश करेंगे जिनको नहीं आया वो रियल बेनिफिशियरीज को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से फायदा मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय भारत, जय केसीआर।